जरवलोड थाना अंतर्गत यहाँ घाघरा संजय सेतु के बिल्कुल नजदीक एकलव्य डिग्री कॉलेज में यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर सांसद प्रतिनिधि सुनील सिंह हमारे बीच में है और आज वो किस परियोजन से यहाँ इकट्ठा हुए हैं इस विद्यालय में हम सीधे उनसे बात करते हैं। तो भाई साहब, आज आप किस परियोजन से यहाँ इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज हमारे बीच में भारत रत्न हमारे देश के गौरव श्री सत्रम श्रद्धेय पंडित स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थि कलश यात्रा यहाँ आ रही है। हम लोग उसी के स्वागत में यहाँ पे फिर ढेर सारे लोग भारी मात्रा संख्या में उपस्थित होकर उनका स्वागत अस्थि कलश का करेंगे और ये बड़ी सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि आज हमें उनके अस्थि कलश का श्रद्धांजलि हम लोग यहाँ देने का मौका पा रहे हैं। तो आपको जैसे नेताजी नहीं है कार्यक्रम में, तो नेताजी कहा? माननीय सांसद जी को इस समय भारत देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। एशियाड में जो गेम चल रहे हैं भारत देश के प्रतिनिधि मंडल के वो प्रतिनिधि बनाए गए हैं और देश का पूरा नेतृत्व कर रहे हैं और देश का गौरव बढ़ाया उन्होंने। कुश्ती संघ के भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय कुश्ती संघ के और कुश्ती में उन्होंने 3 गोल्ड हासिल किए हैं और मैं अपने तरफ से और माननीय सांसद जी की तरफ से उस गोल्ड को भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में से समर्पित कर रहा हूँ। और आज सांसद जी वहाँ है, सांसद जी ने वहाँ से भी अटल बिहारी वाजपेयी जी को सत्सद नमन किया है, प्रणाम किया है और उन्हीं के निर्देश पे आज हम यहाँ पे इतने सारी संख्या में लोग एकत्र होके अस्थि कलश यात्रा को एक श्रद्धांजलि एक सवाल पूछते हैं। श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न सम्मानित थे, तो उनके इतिहास के बारे में कुछ बता सकते हैं? बहुत गहरा इतिहास उनका यहाँ से जुड़ा हुआ है। बलरामपुर से वो सांसद का सांसद भी रहे हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं। अयोध्या यहाँ की नगरी है, अयोध्या से बहुत गहरा नाता रहा है, बलरामपुर से बहुत गहरा नाता रहा, गोंडा से नाता रहा है और कई ऐसी जगह है जहाँ वो गोंडा और बलरामपुर अयोध्या बहराइच यहाँ आते रहे हैं। कई लोगों के यहाँ भोजन भी किया है उन्होंने, कई उनके मित्र हैं जो आज हमारे बीच में हैं, उपस्थित भी हैं, तो उनका तो यहाँ से बहुत गहरा रिश्ता जुड़ा है। वो एक हम लोगों के पिता तुल रहे हैं, पितामह रहे हैं और हमारे गार्जियन रहे हैं। हम ये कह सकते हैं, कोई कुरेद नहीं है कहने में कि वो हमारे पूर्वज हैं और हमारे यहाँ की संस्कृति भी उनसे जुड़ी हुई है। अटल जी हम लोगों के आदर्श हैं और हमारे दिल में बसे हैं और हमेशा हमारे आजीवन हमारे दिल में रहेंगे और वो हमेशा हम लोगों के दिलों में अमर हैं और अमर हैं। देखिए, जैसा कि सांसद प्रतिनिधि सुनील सिंह ने कहा है कि भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा मेरे दिलों में, मेरे देश में, मेरे धड़कन में जिंदा रहेंगे। हमारे बीच में मैं आपको दिखा दूं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। मैं कैमरामैन से चाहूंगा थोड़ा पीछे जाकर के दिखाए। वो यहाँ पर देखिए, एक तरफ से यहाँ काफी से काफी लोग यहाँ पर इकट्ठा है और बहुत से सारे लोग यहाँ पीछे खड़े हुए हैं और उससे ज्यादा संख्या यहाँ आगे लोग यहाँ भी खड़े हुए हैं। न्यूज प्लस इंडिया से अशोक भी छोटे अन्ना जनपद बहराइच और सुनील कुमार दीक्षित जनपद बहराइच घाघरा पर यहाँ मौजूद है और यहाँ पर लखनऊ से जो श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो कलश आनी है वो यहाँ के केंद्रीय सहकारिता मंत्री मुकुल बिहारी वर्मा जी के द्वारा सूचना मिली कि बाराबंकी से वो चल चुके हैं। उनके सुपुत्र जो हमारे बीच में है, हम सीधे उनसे बात करते हैं। तो भाई साहब, आज जो अटल जी के अस्थि कलश यहाँ पहुँच रहे हैं और अटल जी के जीवन के बारे में कुछ पूछना चाहेंगे जो आप बता सकते हैं? अटल जी का लगाव और सत्य अटल जी की श्रद्धांजलि आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसमें निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश मोदी जी के उसमें निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश की सभी नदियों में सत्य अटल जी की अस्थियों का किया जाए। ये कार्यक्रम जो आज यहाँ से शुरू होगा, ये आखिरी छोर कहाँ तक पहुँचेगा, कहाँ तक अस्थि कलश जाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज प्लस इंडिया से अशोक मिछोटियावाला व एसके न्यूज से सुधीर कुमार पांडे जनपद बहराइच घाघरा संजय सेतु पर यहाँ मौजूद है और बाराबंकी से श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थि कलश वहाँ बाराबंकी से भी वहाँ के कैबिनेट मंत्री श्रीमान मुकुट बिहारी वर्मा जी का नेतृत्व करते हुए वो यहाँ पहुँच रहे हैं। हमारे बीच में प्रयागपुर से विधायक श्रीमान सुभाष त्रिपाठी जी हमारे बीच में मौजूद हैं जो भारी लश्कर के साथ यहाँ संजय सेतु पहुँच चुके हैं। वो हमारे बीच में हम थोड़ा संक्षिप्त में उनसे बात करते हैं। तो सर, आज अपने अपना अमूल्य समय दिया है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में कुछ जानना चाहेंगे आपको उनके जीवन के बारे में? अटल जी का बहुत बड़ा व्यक्तित्व था और बहुत उदार व्यक्तित्व और सभी राजनीतिक दल के लोग उनका सम्मान करते थे। उन्होंने देश के लिए
बहुत बड़ा काम किया है, और चाहे वो प्रधानमंत्री शासन योजना हो या पोखरण विस्फोट हो, इस तरह से देश का उन्होंने विकास किया और उनकी ख्याति पूरे दुनिया में थी और देश भर के लोग के साथ साथ दुनिया में उनका सम्मान था, भारत देश का उनका सम्मान रहा है। आज उनकी इस कलश आ रही है, उसे श्रद्धा से मन अर्पित कर रही है। नहीं तो जैसे आज यहाँ पहुँचे फिर इसके बाद जो यात्रा वो कहाँ तक जाएगी? मंदिर की गाड़ी है ये यात्रा, यहाँ से जरवल और बलराम। न्यूज प्लस इंडिया से अशोक भी छोटे और नवा एस एन से सुधीर कुमार।